नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने बदनावर में होने वाले उपचुनाव के बारे में कहा कि हम बदनावर में कोई बड़ी चुनौती वाला मामला नहीं है, हम भारी मतों से जीतेंगे। वहीं भाजपा से निष्कासित राजेश अग्रवाल की भाजपा में वापसी पर कहा कि जहां थे वहीं लौट कर आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या कुछ कहा, देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। देखिए, बदनावर विधानसभा का आप इतिहास देखें तो अभी तक हम 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस की सरकारों के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में भी। और इसलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बदनावर विधानसभा में है, और इसलिए कोई हमको बहुत बड़ी चुनौती वाला मामला नहीं है। उसके बाद राजवर्धन सिंह जी जब पहली बार निर्दलीय भी लड़े थे तब भी 30,000 वोट अपना व्यक्तिगत लेके गए थे, फिर कांग्रेस से विधायक बने, उनका अपना एक व्यक्तिगत वोट बैंक भी है। और उनके साथ में जो लोग वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस से नाराज थे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के व्यवहार के कारण भी थे, इस प्रकार का जो वर्ग है वो भी राजवर्धन जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली है, वो भी भाजपा को समर्थन देंगे। तो एक प्रकार से एक 3 ताकतें साथ में खड़ी हो जाएगी, और इसलिए मुझे लगता है कि बदनावर का विधानसभा अच्छे मार्जिन से उपचुनाव जीतेंगे हम। राजेश अग्रवाल को भी भाजपा ने वापस ले लिया है, उसमें वरिष्ठ नेता की नाराजगी, भंवर सिंह शेखावत नाराज ने। देखिए, ये तो ऐसा है, भाजपा के थे, जनसंघ के ज़माने से उनका परिवार था, किसी कारण चले गए थे, वापस आ गए, जहाँ थे वहीं के वहीं लौट के आए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी की राजी नाराजगी का सवाल ही नहीं है।